Hey guys, welcome to my channel. आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो जो है ये रिव्यू शेयर करना चाह रही हूँ. सो आपको पता है मेरे घर में छोटा बच्चा है और अभी वो सिर्फ 8 मंथ का हुआ है और मुझे घर को उसको घर के जो काम है वो करने में बहुत ज्यादा कई बार दिक्कत आ जाती है जब वो जग रहा होता है, क्योंकि उसको ऐसा होता है कि मुझे हमेशा मेरे पास मम्मा दिखनी चाहिए, मुझे इर्द गिर्द मम्मा होनी चाहिए. तो मैं जो मेरा बाकी का काम है अगर मैं उसको संभालती हूँ तो बाकी का काम जो है मेरा वो नहीं हो पाता है. सॉरी यू नो किचन का काम, मैं किचन में उसको छोड़ के फिर नहीं जा सकती हूँ बेड के ऊपर, क्योंकि वो चिल्लाता है कि मुझे मम्मा नहीं दिख रहे. आपको पता है बेडरूम और किचन का थोड़ा एक दूसरे के सामने नहीं है तो नहीं दिख पाती है. तो बस यही है, मैंने उसको लेकर वॉकर भी लेकर आई थी उसके लिए, लेकिन वो वॉकर में फिर उसको ये होता है कि नहीं मुझे मम्मा का टच नहीं मिला है, मुझे मम्मा देखने में चाहिए. तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जब मैं मतलब काफी चीजों में मैं मतलब काम अपना जो है मेरा रुक पाता था. मेरा काम खत्म होने का नाम ही नहीं था ले रहा, क्योंकि मैं बच्चे को संभालू या काम को देखूं, तो इस वजह से काफी दिक्कत आ रही थी. तो अभी मैंने उस चीज के लिए इस चीज का सलूशन जो है मैंने निकाल लिया है. तो मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में एक में बताया था कि मैं ऑर्डर करने वाली हूँ एक बैग जिसमें मैं एमरोज को कैरी कर पाऊंगी. तो जी हाँ, मैंने बेबी कैरियर जो है वो ऑर्डर कर दिया था, अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया है. तो अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ और दिखाती हूँ कि कैसा आया है. चलिए देखते हैं. तो इस वक्त अभी ये मैंने ओपन कर लिया है और ये नेवी ब्लू एंड स्किन कलर का आया है हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं. तो इसको पहले मैंने अपने लगा के आपको बेबी को आगे की तरफ मेरी तरफ बेबी का फेस किया हुआ है उस तरह से लगा के दिखाया, और अभी मैं अपने हस्बैंड के ऊपर लगा के दिखाऊंगी जो बेबी का फेस आपकी तरफ नहीं, आपकी तरफ बेबी का पीठ होगा तो वहाँ पर इस तरह से आपको लगा के दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से लगाना है. सबसे पहले आपने इस तरह से अपनी बेल्ट लगा लेनी है और पीछे से ये क्लिप जो दिया गया है वो लगा देनी है. इसके बाद आपने इस तरह से बेबी को अंदर लगा लेना है. तो बेल्ट आपने किस तरह से किस हिसाब से लगनी चाहिए, ये जो आपको स्किन कलर का बड़ा वाला हिस्सा आगे की तरफ बेबी के चेस्ट की तरफ दिखाई दे रहा है वो आपको ऊपर रखना होगा. ध्यान रखे वो आपको नीचे नहीं रखना है, वो आपको ऊपर रखना है. अभी यहाँ पे आपको साइड पे ये जो है वो क्लिप्स नज़र आ रहे होंगे और एक अंदर की तरफ यहाँ पे जो नीचे की तरफ बेबी के अंदर पार्ट दिया गया है वो वहाँ पे एडजस्ट कर देने हैं. ये जो पार्ट आपको पीछे दिखाई दे रहा है ये बेबी के नीचे की तरफ से ऊपर को लिया गया है, तो इस तरह से ये एडजस्ट कर देना है. उसके बाद यहाँ पे आपको ये बेबी की बेल्ट यहाँ पे एक और नज़र आएगी, तो आप इस तरह से यहाँ पे एक और क्लिप दिया गया है, आप एडजस्ट करके साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आप एक यहाँ पर आपको क्लिप दिया गया है, यहाँ पर आपने अटैच कर देना है उसको, और सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे आपको अटैच कर देना है. आपका बेबी काफ़ी कंफर्ट जोन में रहेगा, गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा और आप इजीली जो है काम कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं शॉपिंग के लिए, कहीं भी आ जा सकते हैं. तो आप चाहे तो ये जो बेल्ट है ये बाद में भी इसके अंदर में निकाल के लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही एज इट इज़ इसको लगा सकते हैं. अभी एक और बेल्ट है जो आपको मिलेगी इस तरह से, ये इसका साइज़ भी आपने अपनी कमर के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और इसको आपने इस तरह से चाहे तो आप बेबी के बाहर की तरफ से ही आप खुद को इस तरह से कमर से बांध लीजिए, चाहे बेबी को अंदर की तरफ से लेकर भी आप बांध सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शनल होगा.
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये बेबी जो है इस जो हमारा बैग है बेबी बैग में आ गया है, और बिना हाथ लगाए बेबी को इस तरह से ये कैरी करता है। बहुत इजीली आप बेबी को लेकर किस कहीं भी आ जा सकते हैं। एंड आप बेबी के साथ साथ कोई और अगर आपने बैग कैरी करना है तो वो भी कर सकते हैं अगर आप बाहर शॉपिंग वगैरह में जा रहे हो। एंड इसके साथ साथ घर का काम करना है वो भी बहुत इजीली होगा। तो बेबी को आप इस तरह से पीठ के बल के ऊपर भी लगा सकते हैं। चार तरह से बेबी लग सकता है, पीठ की तरफ आपका बेबी का फेस हो सकता है आपकी पीठ की तरफ, या फिर आपकी पीठ के बैक में आप बेबी की बैक भी होगी। देखिए यहाँ पे मेरा बेबी कितना इंजॉय कर रहा है, यहाँ पे खुश है, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा खुश है और हैप्पी नज़र आ रहा है, आप खुद देख सकते हैं। तो इसका ये जो मैं है रिव्यू दे रही हूँ, ये रिव्यू अच्छा है। मैंने अमेज़ोन से, जैसे मैंने पहले भी बताया है, अमेज़ोन से मैंने ये बाय किया है। तो मतलब कि गर्मियों में ये थोड़ा सा बेबी को, हाँ ऐसा हो सकता है कि गर्मी लग सकती है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल परफेक्ट है, आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।